एक चीज तो यहाँ से सीखना चाहिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट को। धीरज भाई की गाड़ी फंस चुकी है। अरे कोई जूता खोल के जाइए, जूता भींग जाएगा। देख रहे फंस गया, घींच रहा है गाड़ी को पीछे। काफी दिक्कत वाले रोड है। राजगीर के सस्पेंशन ब्रिज की याद दिला रही है। नहाने का मजा ले रहे हैं, पीने का मजा ले रहे हैं। बट देखते हैं, देख रहे घंटी ड्यूक में। तो फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए इस ब्लॉग में, और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ सिंधुली से, और ये हमारे इस राइड का, नेपाल राइड इंटरनेशनल राइड का ये तीसरा एपिसोड है। और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं जनकपुर के लिए। तो फाइनली फिर से फुल पावर में स्टार्ट है आज का ये व्लॉग, इंटरनेशनल एपिसोड 3। और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, क्योंकि जो ख़तरनाक रूट है ना, मतलब रास्ते हैं, उन रास्तों को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और बीच में एक दो जगह पे हम लोगों का स्टॉपेज भी होगा, वो भी दिखाएंगे। पिछला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है एपिसोड 2, तो वो ज़रूर देखें, काफ़ी दमदार है। और ये चेक पोस्ट है, सिंधुली का चेक पोस्ट है। आई थिंक पतलू राइडर काफ़ी आगे निकल गए। पेट्रोल है ना, लेना पड़ेगा हमको, पेट्रोल लेना है थोड़ा। वो पेट्रोल इधर है, अरे गाड़ी का लाइन लगा हुआ है। तो पेट्रोल फिलहाल नहीं लिया, गाड़ी वैसे हमारी रिजर्व लग चुकी है, लेकिन देखते हैं आगे कहीं पे मिला तो ठीक, नहीं तो मारेंगे धक्का। रोड तो वैसे मक्खन है, रोड में कोई कमी नहीं है। जवाद भाई यहाँ पे रुके हुए हैं, रील्स वगैरह शूट कर रहे हैं सभी को, मैं भी कर लेता हूँ एक दो रील्स। काफी मजेदार सीन है, मैं थोड़ा सा रुक गया था। और यहाँ का सीन जो है जबरदस्त है, देख रहे लोकेशन, सारे लोग रुक गए हैं यहाँ पे। ये हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे रोड किनारे लगी हुई है, और सारे लोग रील्स के लिए यहाँ पे नीचे उतरे हैं। ब्रिज है, काफी दिक्कत वाले रोड है। अरे काफी मुश्किल जगह है। नेपाल का एक सस्पेंशन ब्रिज, क्या मस्त आ रहा है, देख रहे हैं हिलाने पे हिल भी रहा है। राजगीर के सस्पेंशन ब्रिज की याद दिला रही है, उससे ज्यादा मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे रुके हैं रील्स वगैरह के लिए। कोई सपोर्ट नहीं है बीच में, बस दोनों तरफ से रुका हुआ है। ये भाई लोग देखिए, थोड़ा सा नहाने का मजा ले रहे हैं, पीने का मजा ले रहे हैं। नहीं, वो नहाने का मजा ले रहे हैं, साथ में पीने का भी। तो हम लोगों की प्लानिंग वही है कि हम लोग अपनी अपनी गाड़ी को लेके चलेंगे नीचे, और थोड़ा सा ऑफ रोड का मजा लेंगे, और नदी क्रॉस करते हुए कुछ रील वगैरह शूट कर। और यहाँ से जो रोड है काफी खतरनाक रोड है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। काफी ढालू है, और उस नदी को क्रॉस करना है। पैदल गए थे हम लोग देखने के लिए कि जा सकता है या नहीं जा सकता है। और यहाँ तक तो आ गए हैं, इसके बाद का नहीं पता कैसे जाएंगे। काफ़ी ख़तरनाक रूट है, बट
देखते हैं। ओ ये पानी देख रहे हैं, काफ़ी ठंडा पानी है और साफ भी पानी है। देखिए पानी साफ कितना है, देख रहे हैं। लेकिन भाई लोगों को इस पार आना है। ये हर्षित भाई तो निकाल लिए गाड़ी और धीरज भाई की गाड़ी फंस चुकी है। अरे कोई जूता खोल के जाइए, जूता भींग जाएगा। एक्चुअली गलत रूट में इन्होंने ले लिया गाड़ी को, सीधा लाना चाहिए था। इस साइड और भी गहरा है। मिट्टू भाई आ रहे हैं उनकी मदद के लिए, जूता खोल चुके हैं। गाड़ी फंस चुका है बुरे तरीके से, मदद करना पड़ेगा क्या? आ जाए क्या? जूता भींग जाएगा। वाटर प्रूफ होता तो जरूर चला जाता, फिर जूता खोलो। वैसे मिट्टू भाई ने जूता खोल लिया है। ये भाई साहब का जूता भींग चुका है, देखिए ये जूता पहन के जा रहे थे। वाटर प्रूफ थोड़ी ना जो ऐसे ही ढूंढ रहे थे हर्षित भाई। तो देख रहे फंस गया, बाकी लोग फिरकी ले रहे हैं। वैसे फिरकी तो मैं भी ले रहा हूँ, जाना चाहिए था मदद के लिए। देखिए इसे कहते हैं मदद, अपने जूता को भींगा दिया। मिट्टू भाई घींच रहा है गाड़ी को पीछे और धीरज भाई भी पानी में है। पता नहीं वो जूता को पानी में उन्होंने भी रख दिया। और मिट्टू भाई अब लिया गाड़ी पे, देखते हैं निकाल पाते हैं या नहीं। और लग रहा है मिट्टू भाई निकाल लेंगे गाड़ी को। वाह गाड़ी निकल गई। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, ऑफ रोडिंग का मज़ा लिए थोड़ा सा। और अब यहाँ से साथ में देख रहे हैं रील्स भी शूट कर रहे हैं। तो काफ़ी दमदार रोड है, बट कोई इशू नहीं, आ जाएंगे। भयानक रोड है, बारिश के मौसम में इस रोड पे आना मुश्किल है। लाइनअप हमारा देखिए, एक दो तीन चार पाँच और मैं छः, यानी मेरे से पीछे दो बाइक है। नहीं नहीं सॉरी, एक बाइक आगे खड़ी हुई है, तो सात मेरे से पीछे एक बाइक है। का नजारा देखिए, वाह काश इसमें पानी रहता। दोनों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बीच नदी अगर भरी हो तो क्या गजब गजब दिखता यार। तो नेपाल का ये पहला फ्यूल अप, इंडिया में जो लिए थे उसके बाद अब नेपाल में ले रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल रिजर्व लग चुकी है, 6 लीटर दीजिए। 1074 नेपाली ना, कैसे दे? कितना दे ये मान सकते थे, कैसे दे तो बोल। कितना हुआ? 750। बाकी फिर इससे लेना पड़ेगा। काफ़ी कंफ्यूजन रहता है यार पैसे का, मतलब समझ में नहीं आता है। इंडियन नेपाली मिक्स कर करके जो है डाला जाता है। एक चीज़ तो यहाँ से सीखना चाहिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, सीखनी चाहिए कि चाहे जो हो जाए अपनी मातृभाषा जो होती है मदर टंग, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ के जितने भी गाड़ी हैं क्रॉस कर रही हैं, सारे के सारे 100% जो है सब नेपाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इन लोगों ने इंग्लिश का यूज़ नहीं किया गाड़ी के नंबर प्लेट पे, टोटल नंबर प्लेट मतलब नेपाली लैंग्वेज में है, जो कि हिंदी से मिलती जुलती है थोड़ी बहुत।
बट अपने यहाँ क्या है कि हमारे इंडिया में जो है मतलब नंबर प्लेट हिंदी में ना के बराबर हो, हमारे यहाँ तो सिर्फ इंग्लिश। अंग्रेजों की गुलामी अभी तक नहीं गई है। टर्निंग और रोड का नज़ारा देखिए, क्या गजब लग रहा है, वाह, दिल खुश हो जाता है इस तरह के रोड को देख के, खासकर हम राइडर की। थोड़ा सा मिस के सीधा बाहर देखिए, मोड़ कर वहाँ से ऐसे आना है, काफ़ी बेजोड़ टर्निंग है ये। ओ वाह क्या टर्निंग है, देखिए वहाँ ऊपर से आए यहाँ से मुड़े। रुकावट के लिए खेद है, थोड़ा सा मेरे GoPro में इशू आ गया था, पता नहीं क्यों GoPro ऑन ही नहीं हो रहा था, बट मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था, लगभग 20 किलोमीटर मैं कंटिन्यू गाड़ी चलाते हुए ट्राई कर रहा था, क्योंकि बाकी के जितने राइडर हैं सब मुझसे आगे थे, अगर मैं रुक कर ट्राई करता तो ये लोग और आगे निकल जाते। मुझे लगा कि मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ क्योंकि गूगल मैप यूज़ नहीं किया, इस भाई साहब ने पतलू राइडर ने घंटी बजा कर मुझे इशारा किया। ओ भाई साहब घंटी बजाइए, घंटी 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 देख रहे, घंटी ड्यूक में। सावधान, निर्माण कार्य भैरह को छो, मतलब निर्माण कार्य हो रहा है, भैरह को छो, मैं नेपाली से गया यार, भैरह को छो मतलब हो रहा है। भैया जानकी मंदिर फाइनली हम लोग आ चुके हैं जानकी मंदिर। यह है जानकी मंदिर, जनकपुर का सबसे बड़ा मंदिर, ये रात में खूबसूरत लगता है। फाइनली अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और यहां से स्टार्ट होगी हमारा 4th एपिसोड इंटरनेशनल राइड की। तो बस अब गाड़ी लगाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद यहां से निकलते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।